बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। रावत ने देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट से कांग्रेस के सीनियर लीडर हीरा सिंह बिष्ट को 24,869 वोटों से हराया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 11वें सीएम होंगे। 20 दिसंबर 1960 को पौड़ी के खैरासैंण में पैदा होने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा भी हासिल किया है। त्रिवेंद्र रावत की पत्नी सुनीता रावत टीचर हैं और उनकी दो बेटियां हैं। आइए डालते हैं एक नज़र उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संग से लेकर सीएम तक के सफर पर। अमित शाह के करीबी माने जाने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत दो दशकों तक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। लोकसभा चुनावों में अमित शाह यूपी के प्रभारी थे तो रावत से प्रभारी। तब बीजेपी के 80 में से 73 कैंडिडेट्स जीते थे। इसके बाद शाह ने रावत को 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड का प्रभारी बनाया तो पहली बार पार्टी की बहुमत की सरकार बनी। रावत को फिर नमामि गंगे समिति का नेशनल कन्वीनर बनाया गया। वह 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। उस दौरान वे उत्तराखंड अंचल और बाद में राज्य के संगठन सचिव रहे हैं। 56 वर्षीय त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट की नुमाइंदगी करते हैं। इस वक्त वह पार्टी की झारखंड यूनिट के प्रभारी हैं। वह पहली बार 2002 में डोईवाला सीट से एमएलए बने। अब से वहां से 3 बार चुने जा चुके हैं। रावत को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तजुर्बा भी है। वे खंडूरी और रमेश पोखरियाल की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। 2007 से 12 के दौरान राज्य के कृषि मंत्री भी रहे। रावत ने बिहार से एमए किया है और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और उनके पास करीब 1 करोड़ की संपत्ति है।